नमस्कार दोस्तों, 18 दिसंबर 1995 वेस्ट बंगाल के पुरुलिया जिले में एक ऐसी घटना घटती है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देती है। सुबह के सन्नाटे को चीरती हुई यह खबर जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल जाती है। जब यह खबर पुलिस प्रशासन के कानों तक पहुंचती है तो उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। खबर की गंभीरता को समझते हुए इसकी सूचना तुरंत चीफ मिनिस्टर ऑफिस को दी जाती है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस से इसकी सूचना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को पहुंचाया जाता है। जब यह खबर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचती है तो हड़कंप मच जाता है। सारी इंटेलिजेंस एजेंसी को अलर्ट कर दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग कॉल करते हैं और एक स्पेशल टीम को गठन करके तुरंत उसे पुरुलिया के लिए रवाना कर दिया जाता है। सुबह के 7-8 बजते बजते पुरुलिया ब्रेकिंग न्यूज का एपिक सेंटर बन जाता है। इस घटना ने सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि ब्रिटेन, रसिया, लातविया और डेनमार्क जैसे देश और उनके इंटेलिजेंस एजेंसी के भी नींद उड़ा देता है। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में भारत के सबसे बड़े सिक्योरिटी ब्रीच के रहस्य को डिटेल में समझते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन इंडियन टेलीविजन, किम डेविस जॉइनिंग मी फ्रॉम कोपेनहेगन। What Kim Devi has said is absolutely false. Who can give the order to turn off the military radar to let in a plane? Is that something that I can do? India arms dropping पे इतना glaring example है राष्ट्रीय सुरक्षा का कि कोई विदेशी जहाज आए और विदेशी हथियार गिराकर चला जाए, सरकार को पता ही नहीं चले। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 17 दिसंबर 1995 कराची से होता हुआ एक कार्गो प्लेन AN-26 भारतीय वायु सीमा में बेधड़क प्रवेश करता है। आश्चर्य की बात है कि भारत के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी भनक तक नहीं लगती। हमारे रडार सिस्टम भी इस प्लेन को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त सारे रडार सिस्टम को मेंटेनेंस पे डाल दिया गया था। कराची से होता हुआ यह प्लेन बनारस में लैंड करता है। बनारस में 8 घंटा वेट करता है, फिर यह प्लेन ईंधन लेकर वेस्ट बंगाल की तरफ फ्लाई कर जाता है। वेस्ट बंगाल जाते वक्त यह प्लेन अपना रूट चेंज कर लेता है और पुरुलिया की तरफ मुड़ जाता है। पुरुलिया के गांव में ये लो फ्लाई करना स्टार्ट करता है और पैराशूट के माध्यम से बड़े बड़े बक्से पुरुलिया के गांव में गिराता हुआ कलकत्ता चला जाता है। कलकत्ता में वेट करने के बाद यह प्लेन वापस फुकेट के लिए फ्लाई कर जाता है। यह प्लेन भारतीय वायु सीमा के अंदर क्यों आता है, इसका खुलासा अगले दिन सुबह यानी 18 दिसंबर 1995 को होता है। पुरुलिया के ग्रामीण जब सुबह सुबह अपने खेतों पर काम करने के लिए जाते हैं तो उन्हें अपने खेतों पर गिरे हुए बड़े बड़े बक्से दिखाई देते हैं। जिज्ञासावश जब गांव वाले इन बक्सों को खोलते हैं तो उस समय का नजारा हैरत अंगेज कर देने वाला था। सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सबके होश उड़ जाते हैं। बक्सों के अंदर लगभग 300 AK-47 और AK-56 राइफल्स थी, 20,000 राउंड गोलियां थी, 25 9mm पिस्टल थे, 10 रॉकेट लॉन्चर, 100 हैंड ग्रेनेड, स्नाइपर राइफल्स और नाइट विजन ग्लासेस थे। बक्सों के अंदर इतना हथियार था कि लगभग एक छोटी मोटी जंग शुरू की जा सकती थी। अफरा तफरी के माहौल में गांव वालों के हाथ जो हथियार लगा उसे वो लूट कर भागना शुरू कर देते हैं। जल्द ही इस घटने का सूचना केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचता है। एक स्पेशल टीम गठित करके पुरुलिया रवाना की जाती है। इधर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी एक्टिव हो जाता है, आर्म्स रिकवरी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर देता है। पूरे गांव में अनाउंसमेंट की जाती है कि जो भी हथियार आपके पास है उसे पुलिस स्टेशन में जमा करवा दीजिए। अब तक अधिकारियों को यह पता चल चुका था कि हथियार प्लेन से गिराए गए थे, परंतु यह हथियार
किसके लिए गिराए गए थे, क्यों गिराए गए थे और ये हथियार गिराने के पीछे मकसद क्या था, ये सवाल अभी भी एक पहेली बना हुआ था। पुरलिया आर्म ड्रॉप केस के 3 दिन बीत चुके थे परंतु एजेंसीज को अभी तक कोई क्लू हाथ नहीं लगा था। तभी एक और हादसा होता है। 21 दिसंबर 1995 को फुकेट से कराची जाने के लिए एक प्लेन भारतीय वायु सीमा में चेन्नई के रास्ते प्रवेश करता है। यह प्लेन चेन्नई में लैंड करता है, ईंधन लेकर मुंबई की तरफ फ्लाई करना स्टार्ट करता है। पुरलिया आर्म ड्रॉप केस के बाद सारी एजेंसीज अलर्ट पर थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस विमान के बारे में कोई सूचना नहीं थी। संदिग्ध विमान की सूचना तुरंत एयरफोर्स को दी जाती है। एयरफोर्स के MiG-21 इस संदिग्ध विमान को चारों ओर से घेर लेते हैं और उन्हें मुंबई के सहार एयरपोर्ट पर उतरने को मजबूर कर देते हैं। मुंबई के सहार एयरपोर्ट पर जैसे ही ये विमान उतरती है तो विमान के सारे क्रू मेंबर को इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अपने हिरासत में ले लेती है। क्रू मेंबर को अरेस्ट करने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर पूछताछ शुरू कर देते हैं। अरेस्टेड क्रू मेंबर में 5 लातवियाई नागरिक थे, 1 ब्रिटिश नागरिक पीटर ब्लिच और 1 भारतीय नागरिक विनय कुमार सिंह था। पूछताछ में जो बातें इमिग्रेशन ऑफिसर को पता चलती है उनसे उनके होश उड़ जाते हैं। क्रू मेंबर उन्हें यह बताते हैं कि पुरलिया में जो हथियार गिराए गए हैं वो उन्हीं के द्वारा गिराए गए हैं और इन हथियारों को गिराने में जो प्लेन का इस्तेमाल किया गया वो भी AN-26 ही है। ऑफिसर्स के पांव के नीचे से जमीन खिसक जाती है जब उन्हें यह पता चलता है कि प्लेन में 7 क्रू मेंबर नहीं 8 लोग थे और ये 8वां आदमी और कोई नहीं बल्कि पुरलिया कांड का मास्टरमाइंड डेनमार्क का नागरिक किम डेवी था। किम डेवी बड़े ही हैरत अंगेज तरीके से एयरपोर्ट से गायब हो जाता है। पुरलिया कांड इतना रहस्यमय था कि चारों ओर सवाल ही सवाल खड़े थे। सबसे बड़ा सवाल था कि पाकिस्तान से आने वाला प्लेन रडार में डिटेक्ट हुए बिना इतना बड़ा हथियारों का जखीरा गिराकर कैसे भाग सकता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो पूरा देश जानना चाहता था कि इतने हाईली सिक्योर्ड सहार एयरपोर्ट से पुरलिया कांड का मास्टरमाइंड किम डेवी कैसे फरार हो सकता है। पुरलिया कांड का सबसे रहस्यमय किरदार किम डेवी ही है। किम डेवी डेनमार्क का नागरिक है और 6 भाषाएं बोल सकता था जिसमें हिंदी और बंगला वो बहुत अच्छे तरीके से बोलता था। मुंबई एयरपोर्ट से फरार होने के बाद किम डेवी अपने देश डेनमार्क चला जाता है। किम डेवी ने भारत के एक बहुत बड़े इंग्लिश न्यूज चैनल को इंटरव्यू में बताया था कि उसे मुंबई एयरपोर्ट से भागने में बिहार के तत्कालीन सांसद ने मदद की थी। नेम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड गिव मी सम डिटेल ऑन दैट। श्योर। When the plane landed at Mumbai Airport, at that time we were not surrounded by anybody. We were quite free. So since I was a bit nervous of what was going to happen, I slipped in the background. And when I saw that the police started coming, I slipped away from the airport. From then I went to Pune. I stayed a night in Pune. From Pune I was told through my contacts with the MP that I should fly as soon as possible to Delhi. Who's the MP? And when I arrived at Delhi Airport, I was received in the MP's personal car. 27 दिसंबर 1995 पुरलिया कांड की जांच की जिम्मेदारी भारतीय सरकार भारत के सबसे बड़े जांच एजेंसी CBI को सौंप देती है। 24 दिसंबर 1995 को पीटर ब्लिच और लातवियाई नागरिक को मुंबई के कोर्ट में पेश किया जाता है और उन्हें न्यायिक हिरासत में कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया जाता है। एक तरफ पुरलिया कांड का जांच जारी था तो दूसरी तरफ सरकार पर विपक्ष का दबाव भी बहुत बढ़ गया था। विपक्ष इसे नेशनल सिक्योरिटी का इशू बताकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे कि वो सरकार से कहें कि सारे कांड पर विचार करने के लिए संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। CBI अपनी जांच शुरू की तो एक सामाजिक संगठन उसके शक के दायरे में आता है। जहां पर हथियार का यह जखीरा गिराया गया था वहां से इस सामाजिक संगठन का ग्लोबल हेडक्वार्टर कुछ ही दूरी पर था। CBI इस संगठन के
बहुत सारे ऑफिसेज और मठों पर छापा मारती, इनके बहुत सारे अनुनायियों को गिरफ्तार करती है। इस सामाजिक संगठन ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को गलत बताता है और जांच पर ही सवाल उठा देता है। परत दर परत पुरलिया कांड बहुत ही रहस्यमयी होता जा रहा था। तत्कालीन सरकार पर शक और गहरा हो जाता है जब ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी यह बताती है कि उसने भारत सरकार को यह पहले ही सूचित कर दिया था कि वेस्ट बंगाल के किसी हिस्से में हथियार गिराए जा सकते हैं। आश्चर्य की बात है कि रॉ ने इसकी सूचना वेस्ट बंगाल को एक साधारण पोस्ट के माध्यम से दी और यह चिट्ठी वेस्ट बंगाल सरकार को घटना घटने के 3 दिन बाद प्राप्त होती। वो जो चिट्ठी रॉ के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से वेस्ट बंगाल के उस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी थे कृष्णमूर्ति साहब को पहुंच रही है हथियार गिराए जाने के 3-4 दिन बाद। चौतरफा दबाव में सीबीआई ने आनंद फानन में 20 मार्च 1996 को 13 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर करती है। सीबीआई के चार्जशीट के पेज नंबर 7 के पैरा 9 में बहुत ही सनसनीखेज आरोप दर्ज थे। इसके मुताबिक पुरलिया में हथियार गिराए जाने के लिए साजिश 18 अगस्त 1995 को कोपनहेगन में रची जाती है। इस मीटिंग में किम डेवी, पीटर ब्लिच समेत 4 अन्य लोग शामिल थे। इस मीटिंग में पीटर ब्लिच को 2500 असॉल्ट राइफल और 20,000 राउंड एम्यूशन सप्लाई करने को कहा जाता है। पुरलिया कांड का दूसरा सबसे रहस्यमय किरदार पीटर ब्लिच ही था। ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 में रह चुका पीटर ब्लिच हथियारों को खरीदने और बेचने का काम करता था। लंबी सुनवाई के बाद अदालत लातवे क्रू मेंबर और पीटर ब्लिच को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के कहने पर लातवे क्रू मेंबर की सजा 5 साल के बाद माफ कर दी जाती है। इसके बाद ब्रिटेन सरकार के दबाव में आकर भारतीय सरकार पीटर ब्लिच को भी रिहा कर देती है। लंबी लड़ाई के बाद सीबीआई की चार्जशीट में दर्ज सामाजिक संस्था को भी कोर्ट सबूतों के अभाव में बरी कर देता है। लिहाजा आज भी यह सवाल कायम है कि 17 दिसंबर 1995 को हथियार किसने गिराए और किसके कहने पर गिराए और इस हथियार को गिराने के पीछे मकसद क्या था। कुछ लोगों का मानना है कि यह हथियार बर्मा के काचिन विद्रोहियों के लिए था जिसे गलती से पुरलिया में गिराया गया था। एक थ्योरी यह भी है कि यह हथियार LTTE के लिए था, परंतु किसी भी थ्योरी को लेकर कभी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। 28 साल बाद भी पुरलिया में हथियार गिराए जाने का सच क्या है कोई नहीं जानता। आज भी यह हादसा रहस्यमय बना हुआ है। इतने बड़े रहस्य से पर्दा अगर कोई उठा सकता है तो वो है इस कांड का मास्टरमाइंड किम डेवी। किम डेवी को भारत ने प्रत्यार्पित करने की कोशिश आज भी जारी है। The verdict has been announced in favor of Kim Devi. The CBI has said that they would appeal the verdict, but it is a cause of major shame for the Central Bureau of Investigation in India because they have not been able to procure the extradition. They have lost the Purulia case.